आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में रविवार को हुए मैच में न्यूजीलैंड द्वारा भारत की शर्मनाक हार पर भारतीय पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने विराट कोहली के आउट होने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कीवी टीम ने भारतीय टीम के कप्तान को आउट करने के साथ उनके अहंकार को भी चोट पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय कप्तान ने रविवार को हुए मैच में 17 गेंदों में मात्र 9 रन बनाए थे। उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेला, वह गलत शॉट मारकर आउट हो गए। ऐसे शॉट से उन्हें बचना चाहिए। अगर वह उसी गेंद को कवर पर मारते या बाहर निकलकर खेलते तो मुझे लगता कि यह एक बेहतर विकल्प होता। हरभजन सिंह ने स्टार स्पोर्ट्स पर बोलते हुए कहा, वे विराट कोहली के अहंकार के साथ खेले। उन्होंने कहा था कि वे रन नहीं बनाने देंगे। अगर वह शुरुआत में आते हैं और बड़ा शॉट खेलते हैं तो यह ठीक है, लेकिन वे सिंगल्स नहीं बनाने देंगे। जब आप इस तरह से किसी बड़े खिलाड़ी के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं तो वे ऐसे ही गलत शॉट खेलकर आउट होते हैं। वहीं भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम की आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास प्रतिभा है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में बड़े नॉकआउट मैचों को जीतने के लिए उनमें आत्मविश्वास की कमी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत दबाव में आकर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से लगातार 2 मैच हार चुका है। इस पर गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मैचों को जीतने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा, आपके पास सभी प्रकार के टैलेंट हैं और आप द्विपक्षीय और अन्य चीजों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब इस बड़े टूर्नामेंट में आते हैं तो आपको आगे बढ़कर प्रदर्शन करना होता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। गंभीर ने आगे कहा, यह मैच सचमुच क्वार्टर फाइनल जैसा था। दिक्कत टीम के आत्मविश्वास में थी। अचानक जब आपको पता चलता है कि आपको मैच जीतना है और आप गलती नहीं कर सकते, वहीं द्विपक्षीय मैचों में यह बात अलग होती है क्योंकि आप वहां गलतियां कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बड़े मैचों में आप बड़ी गलतियां नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि भारतीय टीम में आत्मविश्वास की कमी है। मैच के बारे में बताएं तो डेरिल मिशेल की शानदार पारी के दम पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ने यहां रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अहम मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से मात दी। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 110 रन बनाए थे। वहीं 111 रनों का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम ने 14.3 ओवरों में ही लक्ष्य को पूरा कर लिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को 6th बार हराया है। अब भारत का सेमीफाइनल में जाने की संभावना ना के बराबर हो गई है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मिशेल और केन विलियमसन के बीच 54 गेंदों में 72 रनों की साझेदारी ने टीम को एक तरफा जीत दिलाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 44 रन बनाए। इस दौरान मार्टिन गुप्तिल 3 चौके की मदद से 17 गेंदों पर 20 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद मिशेल और कप्तान केन विलियमसन ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और मिशेल आउट होने तक टीम को जीत के नजदीक पहुंचा चुके थे।